हम लोगों का डिमांड है कि अग्निपथ को वापस लो और जो पहले बहाली की जो प्रक्रिया थी उसको जारी रखो। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया, लेकिन बहुत ही कम दिनों का, मतलब कह सकते हैं छोटा सत्र है, और छोटे सत्र में जो है हंगामेदार होने वाला है। जिस तरीके से मानसून सत्र की आज से शुरुआत हुई है, तस्वीरों में देख सकते हैं हंगामे से शुरू हुई है। कह सकते हैं कि यानी 24 जून से लेकर 30 जून तक ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, और विधानसभा में CPI के माले के जो CPI के कह सकते हैं विधायक है, वो किस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम CPI माले के जो विधायक हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं विधानसभा के बाहर। सत्र शुरू होने से ठीक पहले ही हंगामा हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर। जिस तरीके से पूरे देश में हंगामा हुआ और अब जो है विधानसभा में सड़क से लेकर सदन तक हंगामा शुरू हो गया है, और बात करने की हम कोशिश करते हैं और जानते हैं कि सर किस तरीके से आप लोग, आज पहला दिन है और पहले दिन ही हंगामेदार। नहीं, आपको पता है कि पूरे देश के अंदर अग्निपथ के नाम पर नौजवानों के रोजगार को छीनने का कोशिश किया है, और न सिर्फ रोजगार छीनने का कोशिश किया है, बल्कि आप इस बात को जानिए कि जो नौजवान देश के सरहद की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी को, गोली को चूमता था, उस नौजवान को 4 साल के बाद, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? 4 साल की नौकरी, अरे सेना में जाने के लिए तो उसका ट्रेनिंग के लिए 9 महीना का समय होता था, और उसके बाद उसकी पोस्टिंग होती थी, और ये 4 साल में उसको कह रहा है हम रखेंगे, और उसके बाद जहाँ तक उसका कहना है कि इसके बाद 10% का आरक्षण दूसरे विभाग में मिलेगा, तो सेना से रिटायर जो लोग होते थे उसके लिए तो पहले भी 10% का रिजर्वेशन था, और अनुभव क्या बताता है, 2% भी सीट तो भरता नहीं है। हम लोगों का डिमांड है कि अग्निपथ को वापस लो और जो पहले बहाली की जो प्रक्रिया थी उसको जारी रखो। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि जो CPI माले के विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो पहले सरकार की योजना थी बहाली की, वो सेना में उसी तरीके से बहाली होनी चाहिए। इस मांगों को लेकर आज जो है पूरी तरीके से हंगामा हो रहा है, और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग जो है वो सदन में भी गूंज रही है। आगे जो अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें 10 दिन उसके साथ और देखते रहें 10 दिन।